विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी हो पर उस पर कार्रवाई हो रही है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। झांसी में उमा भारती ने उन्नाव वाले मामले में कहा कि उन्नाव की घटना मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है, हम सबके लिए धिक्कार की घटना है, ऐसा करने वालों के साथ उसको दंड मिलना चाहिए। राज्य सरकार अपनी कार्यवाही को ठीक से कर रही है, एक भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे विधायक हो या चाहे डॉक्टर, जो भी इस तरह के कृत्य करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और उन्नाव की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं, ये हमारे लिए, हम सब के लिए धिक्कार की घटनाएं हैं। एक 8 साल की बच्ची को धर्म स्थान पर ले जा करके निरंतर उसके साथ दुराचार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा करने वालों के साथ कानून में जो भी व्यवस्थाएँ भारतीय कानून में मौजूद हों वो सब दंड उनको मिलने चाहिए। इसी प्रकार से जो उन्नाव में घटा है, लड़की की इज्जत गई, उसके पिता की जान चली गई, अब ये सारे जो मसले हैं इसमें राज्य सरकार अपनी कार्यवाही बिल्कुल ठीक से कर रही है। मोदी जी उन लोगों में से हैं जो महिला की इज्जत के लिए जब वो गोरखपुर से सांसद थे तो खुद कई बार अपनी जान दांव पे लगा देते थे। कार्यवाही ठीक से हो रही है, राज्य सरकार बिल्कुल ठीक से काम कर रही है, एक भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। और मैंने कल ट्वीट करके बोला है बिल्कुल साफ कि कोई भी हो, वो विधायक हो, कोई डॉक्टर हो या कोई पुलिस अधिकारी हो, जो भी इस कृत्य में शामिल रहा है, चाहे उसने नेगलिजेंस की हो, उसने प्लानिंग की हो या अपने हाथ से किया, उसमें 3 प्रकार के लोग हैं। एक है जिसने नेगलिजेंस यानी कि अनदेखी कर दी, दूसरा है जिसने योजना बनाई और तीसरा है जिसने कृत्य किया, वो जघन्यतम अपराध है। और इस जघन्यतम अपराध का कठोरतम दंड जो भारतीय कानून में होगा वो मिल सके, इस दंड में CBI जांच करेगी और उसमें राज्य की पुलिस पूरा कोऑपरेशन करेगी। न्यूज़ BK के लिए झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।